दोस्तों, वेलकम बैक टू YouTube चैनल पंडित ब्रोस में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, आप मतलब कुछ दिनों से पहले आप मतलब हिजाब कर्नाटक कंट्रोवर्सी के बारे में सुन ही रहे होंगे, तो आज उससे रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज आई है। मतलब जो हाई कोर्ट का फैसला आया आज, और जो उनका जो फैसला है वो काफी दर्दनाक है। मतलब जो दिल दहलाने वाला, मतलब जो उन्होंने मतलब जो हिजाब पहनने के ऊपर जो मतलब उन्होंने मतलब याचिका डाली थी वो हाई कोर्ट ने मतलब खारिज कर दी है। काफी बड़ी बात है ये। हाँ, मतलब कि जैसे कि हम सब लोगों को काफ़ी दिन से ये हिजाब के बारे में सुन रहे थे कि जैसे कि हिजाब को कंपलसरी करना चाहिए स्कूल में, कॉलेजों में हाँ पहन के आने के लिए, मगर जो ये कार्रवाई थी, जितनी भी थी, जो ये लागू करने की जो कार्रवाई थी वो कोर्ट में चली गई थी, कर्नाटक कोर्ट में, जहाँ कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है कि जैसे कि ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है कोर्ट में और हाँ पहनने के लिए। और कुछ ऐसे प्रश्न थे मतलब कि जिस हाँ प्रश्न के आधार पर, कुछ क्वेश्चन के आधार पर कोर्ट ने इसको कोर्ट मतलब ने इसको इस याचिका को रद्द कर दिया है। हाँ। और जो चार जो मेन जो प्रश्न है वो ये हैं कि जो पहला प्रश्न है वो था कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है। तो मतलब फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। मतलब पहला प्रश्न का ये था हाँ, मतलब जो कि जैसे जो खारिज क्वेश्चन करने का ये रीजन। क्वेश्चन ये पूछा गया था, जैसे कि मेन पहला जो मेन क्वेश्चन, फर्स्ट ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, जैसे कि हाँ हिजाब पहना कंपलसरी है या नहीं, और इसे कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कह दिया है कि हिजाब पहना कंपलसरी नहीं होता है, मतलब कि जो ये इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म में हाँ हिजाब पहना कंपलसरी कंपलसरी नहीं है। हाँ। और दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न था वो ये था, क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने कहा, स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। ये भी काफी अच्छी बात बोली कोर्ट ने, है ना। हाँ, मतलब कि आप उसे ड्रेस की भावना से देखें, ना कि हाँ उसकी या एक धर्म की भावना से उसे आप स्कूल में थोप रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है। हाँ और जो थर्ड पर्सन था दोस्तों वो था, क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला अक्षम और स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। तो कोर्ट ने कहा कि माना कि सरकार के पास 5 फरवरी का संशोधन जारी करने का अधिकार है, इससे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। तो कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताएं ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए हैं कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किए। हाँ, मतलब कि इस क्वेश्चन में भी ये पूछा कि सरकार ने क्या फैसला लिया था, उसे मतलब कि जो लागू करा था वो, मतलब उसे कितने वो इम्पोर्टेंस थी, उसे कितना हाँ वो कितना सब मतलब कि वो हैवी, मतलब कि कितना वो महत्व रखता था, और उसने कोर्ट ने उसको खारिज करके इसका कोई भी मतलब कि एक सख्त रीज़न नहीं बताया, मतलब कि ऐसा आपने क्यों लागू करा और क्यों करा, किस कारण करा। इसलिए एक मेन तीन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसीलिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता हाँ है। और हमारे जैसे हम आर्टिकल्स 15 में देखे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसमें भी यही लिखा है कि मतलब जो कोई भी जो लड़का है, मतलब उस पर लिंग या इस पे मतलब वेश उस पे मतलब या तो मतलब पढ़ाई पे मतलब कोई उस पे मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है, तो सबके लिए समान ही है। तो जो शिक्षा का आधार भी सबके लिए समान ही है। और दोस्तों, जो जो मतलब चौथा क्वेश्चन था, जो लास्ट प्रश्न था वो ये था कि मतलब क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जाँच का आदेश देने का कोई मामला बनता है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता। तो मेनली ये चार रीजन थे जो मतलब जो कोर्ट ने ये जो याचिका है वो खारिज की है। हाँ, ये जो जो क्वेश्चन है, ये जो चार क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ और इन क्वेश्चन का मतलब जो उत्तर है जो कोर्ट ने बड़ी मतलब कि एक सरल तरीके से दिया है, और उसको हर क्वेश्चन का उन्होंने डेफिनेट मतलब कि आंसर दिया है कि हाँ ये चीज़ ऐसे लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और ये क्यों लागू होनी चाहिए, इसका क्या कारण है। काफ़ी मतलब कि इन क्वेश्चनों का काफ़ी अच्छे आंसर दिए गए हैं। हाँ और बात करें तो अब आपको पता है कि जो एक कंट्रोवर्सी थी मतलब बहुत बड़े लेवल तक चली गई थी। मतलब यहाँ पे इसमें जो अगर ट्वीट देखे तो इंटरनेशनल ट्वीट भी आने लग गए थे। मतलब एक तरह से एक कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही थी। तो वही सबकी मतलब आंखें मतलब सबकी मतलब जो निगाहें थी वो हाई कोर्ट के ही उस पर डिसीजन पे थी। अब इन्होंने भी अब देखते हैं कि इन्होंने भी अब टाइम दे दिया आगे का, अब देखते हैं अब ये डिसीजन क्या लेते हैं। हाँ, मतलब कि जो भी डिसीजन आए, मतलब कि हमारा मतलब कि यही मोटिव रहना चाहिए कि जैसे कि इसको मतलब एक धर्म के नाते से मतलब कि हाँ उससे मतलब कि हटा के मतलब कि आप एक एजुकेशन के उससे देखना चाहिए, जैसे कि हम कोई स्कूल में बस खाली पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, हम बीच में किसी धर्म को क्यों ला रहे हैं, क्यों हाँ हमें खाली पढ़ना है वहाँ पे, और मतलब कि अपनी अच्छी एजुकेशन लेके और आगे बढ़ना है। और जो धर्म है, ये जो हमारे बीच में जो धर्म बनाए गए हैं, ये मतलब इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं, उसका पालन करना, हाँ मतलब कि हमारे भगवान ने, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पैदा होते इस हाँ धर्म को पालन करो, ना ही कोई पैदा होता हमारे को थप्पा लगता है कि जैसे तू इसी धर्म का है, तेरे को ये धर्म पालन हाँ करना है। ये तो हमारी इंसान की जो सोच है वो मतलब कि इस हद तक पहुँच चुकी है, जो इस तरह के धर्मों को लेकर हमें थोपती है और हमें इसे लागू करने के लिए मतलब की कहती है कि इसे लागू हाँ करके और इसे अपने जीवन में निभाना चाहिए ये सब। हाँ और दोस्तों हम बता दें कि आपको जो ये मतलब विवाद था वो करीब मतलब 1 या 2 महीने पहले शुरू हुआ था। मतलब कि ये स्टार्ट हुआ जबकि मतलब एक लड़की थी, मतलब वो कॉलेज में उनका एग्जाम चल रहा था। तो वो मतलब उनके जो मतलब जो कॉलेज के प्रशासन थे उन्होंने मतलब वो हिजाब पहन के आए थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप हिजाब पहन के एग्जाम नहीं दे सकते।
तो उसी के ऊपर ये विवाद स्टार्ट हुआ था। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक बीच में मतलब जो मुस्कान लड़की लड़की थी मतलब वो हिजाब पहन के आती है, और आगे मतलब जो मतलब हिंदू मतलब आदमी मतलब जो हिंदू भगवादारी होते हैं मतलब उनका दल आ रहा था, तो वो उनसे रिलेटेड भी एक बीच में केस आया था कि मतलब वो अकेली थी और वो मतलब बहुत सारे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, फिर उनके प्रिंसिपल और उन्होंने बताया, मतलब काफ़ी जो ये हिसाब कर्नाटक का मतलब जो ये हिसाब का जो मामला है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। हाँ सुर्खियों में रहा है, और जैसे कि इसने काफ़ी मतलब कि वो मतलब कि काफ़ी न्यूज़ मतलब कि काफ़ी हाँ बटोरी है, इसने काफ़ी वायरल रहा है, काफ़ी मतलब हाँ चर्चे में रहा है हर न्यूज़ पे। अभी भी आज के दिन भी जो ये फैसला आया है, काफ़ी न्यूज़ चैनल पे खाली सुबह से हिजाब के बारे में ही दिखाया जा रहा है कि कोर्ट ने ये फैसला दिया, सही फैसला दिया या गलत फैसला हाँ दिया, इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। जो भी कह सकते हैं मतलब कि हमारे हिसाब से जो ठीक भी है ना हाँ गलत है, मतलब कि हम अपना एक मतलब कि एक पक्ष नहीं रखना चाहते कि ये ठीक ही है ये हाँ गलती है, मतलब कि जो चाहे वो कोर्ट पे फैसला जा सकता, मतलब कि कोर्ट क्या मतलब सरकार क्या फैसला लेती है हाँ देखें, वो तो देखने पे डिपेंड, देखते हैं आगे अभी। देखते हैं क्या होता है नहीं होता हाँ है। हाँ और दोस्तों, और आप भी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हाई कोर्ट का फैसला कैसा लगा। और चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते।